हेलो डियर कैंडिडेट, इंडियन नेवी ने नोटिफिकेशन इशू किया है तो उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो प्लीज़ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो कर लें और प्लीज़ शेयर जरूर करें। तो डियर कैंडिडेट, आपको पता होगा इंडियन नेवी ने भारतीय नौसेना ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिस पर आपको डेट दिख रही होगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है द इंडियन नेवी और इन्वाइट्स एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, यानी कि ये जो है वो SSC के लिए जॉब आई हुई है इंडियन नेवी से, जिसकी जो रिक्वायरमेंट और क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो अभी तक। तो डियर कैंडिडेट, जैसा कि आपको पता है डेट ऑफ ओपनिंग यानी कि 18 दिसंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, टूडेज यानी कि आज का ही नोटिफिकेशन इशू हुआ है और इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 31 दिसंबर, यानी कि आपको बहुत कम टाइम दिया जा रहा है, जिससे कि आपको ओनली 12 दिन का टाइम मिला है यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए। तो डियर कैंडिडेट, आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफिसर जॉब है ये। इसमें आपको एक्सटेंड नेबल ओरिएंटेशन कोर्स यानी कि जनरल सर्विस एक्सक्यूटिव्स और GS एंड हाइड्रोग्राफी, इसके लिए आपको वैकेंसी है यहाँ पे। नेबल ओरिएंटेशन कोर्स NOC रेगुलर नेबल। तो यहाँ पे डियर कैंडिडेट, पायलट एंड टेक्निकल इंजीनियर एंड लॉजिस्लेटिव और ऑब्जर्वर, इनकी यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पे जो एजुकेशन क्राइटेरिया है वो आपका BTech है, BE, आपके पास BTech होना चाहिए, BE होनी चाहिए। लास्ट ईयर अपीयर कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी जो है लास्ट सेम में 60% होनी ही चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर पायलट की जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पायलट का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास DGCA के द्वारा, जिसकी मान्यता होती है वो DGCA से होनी चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर कैंडिडेट, स्पेशल एंट्री है, NOC आपको लेनी होगी यहाँ पर अगर आप जॉब करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में और इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ SSC जनरल सर्विस, तो इसके लिए BTech एनी डिसिप्लिन यानी कि किसी भी ब्रांच में होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क के साथ। उसके बाद आपकी SSC नेवल, तो यहाँ पे जो है आर्मेंट इंस्पेक्टर के लिए जो ग्रेड है वो, उसके लिए आपके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया है वो है BTech मिनिमम 16% मार्क, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास किसी भी ब्रांच से यानी होनी चाहिए। उसके बाद आपको आपकी 12th में 60% मार्क होने चाहिए, ये आपका। और इसमें जो वैकेंसी हैं वो हैं 16 वैकेंसी हैं मैन एंड वुमेन के लिए। और इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो आपका 2 जुलाई 1996 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। डियर कैंडिडेट, आपको बता दूं मैं, जो आपकी ऑब्जर्वर की पोस्ट है उसके लिए BTech 60% मार्क, उसके लिए SSC पायलट के लिए डू, यानी कि इसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ आपके पास DGCA के द्वारा वैध लाइसेंस होना चाहिए पायलट का, तो ही आप इसके लिए जो है वो वैध माने जाएंगे। ओके डियर कैंडिडेट, उसके बाद आपकी टेक्निकल ब्रांचेस है उसके लिए भी BTech, फिर आपके लिए एजुकेशन ब्रांचेस है। एजुकेशन ब्रांचेस में डियर कैंडिडेट आपके पास फर्स्ट क्लास इन MSc होनी चाहिए मैथ ऑपरेशनल्स एंड रिसर्च विद फिजिक्स इन BSc, यानी कि BSc में आपकी ग्रेजुएशन लेवल पर आपकी जो है वो आपके पास फिजिक्स होनी चाहिए। उसके बाद फर्स्ट क्लास MSc होनी चाहिए आपके पास अप्लाइड फिजिक्स के साथ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड विद मैथ्स इन BSc, मैथ का होना कंपलसरी है BSc में। अब आप 55% के साथ इन MA इंग्लिश से अथवा हिस्ट्री से हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशन ब्रांच में। ओके डियर कैंडिडेट, उसके बाद आप BTech होने चाहिए तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये एजुकेशन ब्रांचेस है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एजुकेशनल एंट्री मस्ट हैव स्कोर्स मिनिमम 16% मार्क इन क्लास 10th एंड क्लास 12th एंड मिनिमम 16% मार्क्स इंग्लिश एंड क्लास 10th एंड क्लास 12th। इसमें ये लिखा हुआ है कि आप तभी एलिजिबल माने जाएंगे जब आपकी क्लास 10 में और क्लास 12 में आपकी जो हिंदी और इंग्लिश में जो मार्क्स हैं वो 60% होंगे। तो डियर कैंडिडेट, आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी जो है वो है आपकी यहाँ पे कमी वैकेंसी हैं, आपको दिख रहा होगा 6 3 1 1 1 2 2 2, ये वैकेंसी यहाँ पे। उसके बाद आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें जो है वो है 16, जो कि आपकी SSC जनरल के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद 38 इसमें है और 30 और 14 उसमें है। तो डियर कैंडिडेट, लगभग 250 के समथिंग यहाँ पे वैकेंसी हैं और इसके लिए आपकी जो एज क्राइटेरिया वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
2 जुलाई 1996 से लेके 1 जुलाई 2000 तक आपका जो है वो यहाँ पे जन्म होना चाहिए, उससे पहले और उसके बाद का नहीं होना चाहिए। ये तो हुई आपकी यहाँ पे बात। आफ्टर ईयर कैंडिडेट, आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो आपको पता होगा। सीधे सीधे आपका SSB कॉल लेटर आता है, जिसके बाद आपका 6 दिन का SSB होता है, इंटरव्यू होता है SSB। उसके बाद आपको जो है फाइनल सिलेक्शन सिलेक्शन जो होता है वो मेरिट लिस्ट के बेस पे होता है। और इसमें भी डियर कैंडिडेट आपको शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, जो शॉर्ट लिस्ट हो कैंडिडेट होगा उसको ही यहाँ पे जो है SSB कॉल लेटर आएगा। तो यहाँ पे जो है आपको नोटिफिकेशन का आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, और आप इंडियन नेवी की वेबसाइट पे जाके अपना एक अकाउंट बनाए, उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डियर कैंडिडेट, ये QR कोड है, आप इसको स्कैन करें, और स्कैन करने के बाद आप लोग यहाँ पे जो है अपनी जॉब के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। और आप जाइए www.joinnavy.gov.in पर जाइए, और उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में जितने भी नोटिफिकेशन है आपके SSB डेट वगैरह है वो आपको मिलती रहे। ओके, जय हिंद गाइस, एंड एक बार फिर से आपका मैं बहुत